नमस्कार, मैं हूं जैन, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। दोपहर तक की बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। नई आबकारी नीति घोटाले मामले में सोमवार को सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। मनीष सिसोदिया सुबह करीब 11 बजे जब पूछताछ के लिए पहुंचे तो रात 7:15 संजय सिंह भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ सीबीआई दफ्तर के घेराव करने पहुंच गए। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस फोर्स ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन उत्तेजित आप कार्यकर्ता नहीं माने। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने संजय सिंह को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने झड़प के दौरान सांसद संजय सिंह के कपड़े फट गए। पुलिस ने उनको सड़क से उठाकर वैन में डाला। इस झड़प में कई आप कार्यकर्ता घायल हो गए। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बलियान ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें सांसद संजय सिंह का यह कहते हुए सुना जा सकता है, भाजपा की पुलिस ने आज हमें झगड़े के दौरान घसीटा, खून के धब्बे देखो, नुकसान देखो, मेरा कुर्ता पैजामा पर ध्यान दो, तुम चीर रहे हो हमारा कुर्ता, आज आने वाले चुनाव में मतदाताओं तुम्हारा चीर देंगे, जितना हो सके उतना अपराध करो, हम नहीं छोड़ेंगे और हम नहीं झुकेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे क्योंकि वह आम आदमी है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह हिरासत में लिए गए। आम आदमी पार्टी नेताओं को थाने ले जाने वाली बस यह बात बोली। उन्होंने बस में इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वीडियो फुटेज में संजय सिंह की पैंट फटी हुई दिखाई दे रही थी और उनके कुर्ते में आस्तीन पर खून के कुछ धब्बे थे। बता दें, 9 घंटे से ज्यादा समय तक हुई पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर से निकले। इससे पहले दिन में मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस तथ्य के बावजूद उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है कि पिछली बार जब उन्होंने उनके घर और बैंक लॉकर की तलाशी ली थी तो उन्हें कुछ नहीं मिला। वहीं सीबीआई पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके ऊपर दर्ज सारा केस फर्जी है। बीजेपी वाले कहते हैं कि घोटाला हुआ है, लेकिन कोई घोटाला नहीं हुआ है। पूछताछ के समय मुझ पर आग छोड़ने का दबाव बनाया गया। कहा गया कि अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो ये केस ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे कहा गया कि मुख्यमंत्री बना देंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि इस मारपीट के दौरान इन लोगों ने जो घसीटने की जुर्म की जो कार्रवाई की बीजेपी की पुलिस ने, ये देखिए खून के दाग ये कर रहे हैं लोग। ये देखिए कुर्ते का क्या हाल है। कुर्ता और ये भैया, ये कुर्ते क्या देखिए भैया, थोड़ा सा अपन हो जाएगा, थोड़ा सा अपन हो जाएगा भैया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज तुम हमारे कुर्ते फाड़ रहे हो, जनता चुनाव में तुम्हारे कुर्ते फाड़ेगी। और मैं तो कह रहा हूँ, और जितना तुम्हारे अंदर ताकत हो, दम हो, और जुल्म करो। हम लोग डरने, रुकने, झुकने वाले नहीं हैं। ये आम आदमी पार्टी का कारवा है, लड़ेंगे, जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी। भारत माता की जय।